इसमें देखो क्या करना है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। कैसे? मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि किसी भी संख्या किसी भी गिनती को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। अगर प्रतिशत में है तो उसको प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करोगे। तो बच्चा लोग, इसमें आप 100 से सिर्फ और सिर्फ गुणा करोगे, मल्टीपल करोगे 100 का, आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने, दौड़ के आएगा। यह आपका 7500 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे दो अंक पर दशमलव है पीछे से, तो आप डिजिट पे दशमलव लगाओगे, इसका आंसर 75 आएगा। क्या आएगा? 75 परसेंटेज में आएगा। हाँ, क्योंकि परसेंटेज में ही पूछा था ना, समझ में आई ना बात? इसमें क्या है, प्रतिशत में बदलना है। इसमें भी आप वही प्रक्रिया अपनाओगे, 09 इसमें आप 100 का मल्टीपल करोगे 100 का, फाइनल में आपका कितना आएगा, 900 आएगा। दो अंक पर पीछे से दशमलव लगाओगे तो आपका 9% आएगा। लिखते जाओ और बताते जाओ कि हाँ हम कर लिए हैं। चलिए, ओके। इन सब को आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। जितने भी दिए गए हैं बहुत ध्यान से देख लो इनको प्यार से, और तुरंत कर डालो जल्दी जल्दी से। देखो यार, सब में क्या करना है आपको, 100 से गुणा करना है। आप जानते हो जब आप इनमें 100 से गुणा करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे रूप में आएंगे। इनमें क्या करना है, एक अंक पर दशमलव लगाना है, ओनली वन डिजिट पर पॉइंट लगाना पीछे से, तो इतना हो जाएगा। फाइनल में 1050% आपका उत्तर आए। उत्तर कितना आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं, तरीका सही लगाना। वन डिजिट पे पॉइंट है तो वन पे ही लगाना, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट के बाद वाला जीरो का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसमें भी ऐसे कर लो, अगर छोटी गिनती रहेगी आप देखोगे पॉइंट में तो उसका उत्तर 100 के नीचे आएगा, लेकिन अगर ये गिनती बड़ी रहेंगी तो काफ़ी बड़ा आंसर आएगा। जैसे इसको मैं देखो, आप 1050 आया ना, अगर मैं इसमें बात करूँ 0.05 में, इसमें 100 से अगर हम मल्टीपल करें, 100 से गुणा करें, तो हमें पता है क्या आएगा, ये 500 आएगा, 500 आएगा ना, और दो अंक पर दशमलव लगेगा पीछे से, तो बच्चा लोग ये आपका ओनली 5% आएगा। कितना आएगा, 5% आएगा। हाँ, लेकिन अगर इसी में हम आपको ऐसे बोलें कि 0.05 नहीं है, सिर्फ 5 है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, आप जानते हो 50% आएगा। हाँ, इस तरह से आप इन सभी सवालों को हल करोगे। हल करके इनका उत्तर इसी वीडियो में कमेंट करना फटाफट। और अगर आपने PVR स्टडी ऐप में कोर्स लिया है और ऐप के अंदर देख रहे हो, तो आप इनको हल करके नोट्स बना करके पहले वाले नंबर पर भेजना, सब PDF बना के एक तरफ से अच्छे से, ठीक है? जल्दी से लिख लो। अगर आपने छोटा सा वीडियो देखा YouTube पे डेमो के रूप में 2-3 मिनट का, तो आप नंबर पे संपर्क करना, आपको बहुत बड़ी बड़ी क्लास मिलेंगी इस तरह से, आप पूरा मैथ सीख पाओगे एकदम बेसिक से।